दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में लगाए गए वैक्सीनेशन सेंटर, बूस्टर लगाने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कोविड-19 के खिलाफ पूरे देश भर में लगाए जा रहे प्रिकॉशन डोज के तहत नवरात्रि के प्रथम दिवस जिला भाजपा कार्यालय में विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसमें 12 वर्ष के ऊपर के सभी वर्ग के लोगों को प्रथम व द्वितीय डोज तथा 18 वर्ष के ऊपर बूस्टर डोज लगाए गए, जिसमें फ्री बूस्टर डोज की अंतिम तिथि 30 दिसंबर को होने को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने भाजपा कार्यालय पहुंचे। वीएलसी एक्सप्रेस न्यूज से दुर्ग से विकास सिंह चौहान की रिपोर्ट। कोविड-19 के खिलाफ पूरे देश में निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर 75 दिन प्रिकॉशन डोज की घोषणा किया था, और इसी परिप्रेक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमारे झुग्गी झोपड़ी बैनर तले वैक्सीनेशन सेंटर आहूत किया गया है। और प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस 17 सितंबर से लेकर पूरे देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज 10वें दिन इस टीकाकरण शिविर का आयोजित किया गया है, और इसमें भारी संख्या में न केवल शहर से बल्कि जिले भर से लोग वैक्सीन लगाने आ रहे हैं। प्रथम दूसरी डोज के साथ साथ बूस्टर डोज भी लगा रहे हैं, और संख्या को देखते हुए कल भी मंगलवार को यहाँ पर टीकाकरण किया जाएगा। आज नवरात्रि का पर्व है, मैं शहरवासियों को पूरे जिलेवासियों को माता रानी की कृपा बनी रहे ऐसा नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। राष्ट्रीय प्रदेश और जिला नेतृत्व और हमारे दिल्ली जिले प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर झुग्गी झोपड़ी भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर पर हम लोग वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हमको मिला है, तो वो कार्यक्रम हम लोग जिला स्तर पर जिला भाजपा कार्यालय में कर रहे हैं। प्लान एक दिन की थी, लेकिन यहाँ पे लोगों के उपस्थिति को देखकर रुझान को देखकर यहाँ 2 दिवसीय कर दिया गया है। कल भी ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जाना है, और हम इस अवसर पर नवरात्रि के अवसर पर सभी वैक्सीनेशन करता और वैक्सीनेशन करना करवाने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।